नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जयपुर के राजभवन से प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता अभियान के राजस्थान के महामहिम राज्यपाल ने की लॉन्चिंग। पूरे राजस्थान में प्रशासकों के लिए आयोजित करेगी ब्रह्म कुमारी सम्मेलन और वर्कशॉप। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर शहर चलाए गए अभियान। सड़क सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर किसान समेत कई सामाजिक मुद्दों के प्रति फैलाई जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में प्रशासन व्यवस्था बेहतर करने के लिए अब प्रशासकों को ब्रह्म कुमारी संस्था आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देगी, ताकि प्रशासन में उत्कृष्टता आ सके। इस अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी जयपुर राजभवन से हो गई है। ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा आयोजित इस अभियान की लॉन्चिंग राजस्थान की महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कर दी है। इस दौरान प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, राजस्थान की जोनल कोऑर्डिनेटर और जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम और राजयोग शिक्षिका बीके स्नेह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बीके पूनम दीदी ने राज्यपाल जी को ईश्वरी प्रसाद भेंट किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्म कुमारी संस्था लगातार कई जागरूकता अभियान चला रही है। इसी से जुड़ी कई खबरें अब हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अमृतसर की खबर से, जहां सोहिया कला गांव में आत्मनिर्भर किसान अभियान का आगाज खेती विकास अधिकारी अश्विनी रंबानी, हरियाणा जिंद के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय, अमृतसर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके आदर्श, डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने शिव ध्वज फहराकर किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़े लोग मौजूद रहे, जिन्हें बीके विजय ने शाश्वत योगी खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब दूसरी खबर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां टिकरापारा सेवा केंद्र और संस्था के यातायात परिवहन प्रभाग द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आगाज हुआ, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी, रेलवे के पुलिस अधीक्षक रोहित कुमार बघेल, टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने ऑडिटोरियम में उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कि मेडिटेशन तनाव से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है ध्यान, तो पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास और मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जीवन की यात्रा बहुत 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 खुशहाल होती है। हम हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि आपके सामने कितनी भी अच्छी सड़क, आपकी गाड़ी बिल्कुल नई हो, फिर भी हमको ये चीज ध्यान में रखना रख के चलना होगा कि हम अपनी अपनी जो गति है उसको कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। एक नए परिपेक्ष में मैं देख रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने किस प्रकार से सोशल और इस प्रकार के अवेकनिंग के क्षेत्र में अपने कार्यों को बढ़ाया है। इनका एरिया अब पहले जहां ये शहरी भूमिका में थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका काफी प्रवेश हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके दिव्य प्रभा, इंदौर जोन की मुख्य संयोजिका बीके हेमलता, सड़क सुरक्षा अभियान की कोऑर्डिनेटर बीके कविता का वीडियो संदेश भी दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में अभियान को शहर में जागरूकता फैलाने के लिए रवानगी दी गई। इसी तरह कई अन्य शहरों में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अभियानों और सम्मेलनों के आयोजनों के द्वारा जागरूकता फैलाई गई। आइए दिखाते हैं आपको उसकी शानदार झलकियां। छूने गगन के छोर, भारत ने भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है नए भारत के
के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है। नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन सौ सौ है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। सबको सदा दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता है। यह सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यह सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। चेहरों पर सबके दिखती यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, मजहब है मेरे भारत में, फिर भी मिलकर सब रहते हैं। यहाँ माता पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। हर मजहब है मेरे भारत में, फिर भी सब मिलके रहते हैं। यहाँ माता पिता को दिल से सभी अपना भगवान भी कहते हैं। दिव्य गुणों में देश मेरा सबसे बड़ा धन।
हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।